Hello guys, what's up? I'm your host Ash and I am here on the behalf of TTL. I mean it's time to learn. Or may ya pass to teach you or to instruct you how to do web development. ओके गाइस वेब डेवलपमेंट में मैं आपको कई चीज़ें सिखाऊंगा हम लोग करेंगे एच करेंगे हम लोग सी करेंगे हम लोग जे क्वेरी करेंगे वी विल मे बी स्टार्ट मेन एंड मन फ्रेमवर्क्स एंड आफ्टर दैट मे वी विल गो फॉर द एप डेवलपमेंट बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट सो वी विल स्टे ऑन द वेब डेवलपमेंट फॉर नाउ और हम लोग वेब डेवलपमेंट को ही आगे लेकर चलते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग जिन चीज़ों से सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे जिन चीज़ों को सबसे पहले सीखेंगे वो हमारे पास है एच टी एम एल और सी एस एस और साथ ही साथ इनके जावर स्क्रिट हमारे पास फिर बाद में आएगी लेकिन जो चीज़ें पहले हैं वो हमारे पास एच टी एम एल और सी एस एस एच टी एम एल गाइज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केड स्टाइल शीट ओके गाइस सो एस टी एम एल और सी एस एस हम लोग पहले लेकर चलेंगे तो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेकर चलेंगे छोटे छोटे से वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे इस तरीके से कि आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ सके और हम लोग एक एक कमांड रोजाना नहीं करेंगे बल्कि हम लोग हर रोज़ एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उस प्रोजेक्ट को ही हम लोग आगे लेकर चलते जाएंगे और उसके अंदर हम लोग कोशिश ये होगी कि जितनी भी कमांड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें और आप लोग भी मेरे साथ साथ वीडियो को स्टॉप करें कमांड्स को आप लोग भी अप्लाई करें और कंस्ट्रक्ट करें वेबसाइट्स इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते रहें जब रियलिटी में आप लोग अपने लिए कोई नई वेबसाइट क्रिएट करने लगेंगे या कोई नई प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने लगेंगे या फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट के ही शोबे में आगे जाते हैं तो आप लोग जो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी आगे जाकर ओके गाइस तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एच टी एम एल एंड सी एस एस तो आखिर एच टी एम एल और सी एस एस करते हैं जाओ स्ट्रिप के उनके साथ क्या रिलेशन है ये तीनों मिलकर ही वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं तो किस तरीके से आखिर ये तीनों क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं क्या हम लोग सिर्फ एच टी एम एल के अंदर पूरी वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते या फिर सिर्फ सी एस एस के अंदर पूरी वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते गाइज तो हम लोग इसको भी ज़रा देखते हैं तो गाइज़ एच टी एम एल सी एस एस है क्या एच टी एम हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करती है जबकि सी एस एस जोन सी एस सी एस एस हमारे पास स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है अब अगर मैं आपको इस तरीके से कहूँ कि हम लोग वेब डेवलपमेंट को एक ह्यूमन के तौर पर देखते हैं या हम लोग उसको एक इंसान के नज़रिए से देखते हैं तो आपके पास जो स्केलेटन है वो आपका एच टी एम एल क्रिएट करती है अब एच टी एम एल ने स्केलेटन क्रिएट कर दिया उसके ऊपर जो स्किन है ये स्किन हमारे पास प्रोवाइड कर देगी हमें सी अब एक स्केलेटन को हमें एस टी एम ने क्रिएट कर दिया है सी एस हमें स्किन प्रोवाइड कर दी तो हमारे पास एक ह्यूमन बींग कंप्लीट हो गया तो फिर जावा स्क्रिप्ट के यहाँ पर क्या काम तो गाइज लिसन टू दिस जावा स्क्रिप्ट हमारे इस जिसम के अंदर जान भरती है जावा स्क्रिप्ट एस को इंटरेक्ट करवाती है विद डिफरेंट बिंग्स हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों मिलकर जब एक साथ आपस में मिलते हैं तो आपकी वेबसाइट्स के अंदर जान भर जाती है जिस तरीके वैसे ही गाइज़ आपके वेबसाइट के अंदर जान आ जाती है तो उस जान भरने के लिए हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का कर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि हम लोग बल्कि आगे हम चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गायज ये ए, लुक एट दिस हमारे पास ये एक वेबसाइट क्रिएट हुई हुई है ठीक है वाला हाल वेबसाइट का नाम है हम लोग यहाँ पर देखते हैं गैस आपको यहाँ पर सबसे ऊपर इसका लोगो नज़र आ रहा है उसके बाद नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है फिर उसके बाद एक हैडिंग आ रही है फिर पैराग्राफ आ रहे हैं एक पिक लगी हुई है ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एच प्रोवाइड कर रहा है तो फिर यहाँ पर सी का क्या काम गैज़ ये आपको जो पीछे ब्लैक कलर नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर हमारे पास बिकॉज ऑफ सी है इस वेबसाइट के अंदर अभी तक तो हम लोगों ने जावसरू का इस्तेमाल नहीं किया वो हम लोग तब करेंगे तो हम लोग आगे हम लोग तो लेकर चलेंगे तो अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एच और सी को ही हम लोग आगे लेकर चलते हैं ओके गाइज़ एच और सी हम लोग इस्तेमाल तो किस तरीके से करते हैं हम लोग इसका तो कोड कहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास एच और सी के लिए कई एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर हम लोग कोड लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि अगेन ऑनलाइन सो लेट्स सी मैं आपको बताने लगा था कि हमारे पास एच टी एम एल और सी एस एस लिखने के लिए हम लोग जिन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई खास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती हो हम लोग इसको आपके नोट पैड के ऊपर भी हम लोग इसका कोड लिख सकते हैं ओके गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाता हूँ तो हमारे पास कॉफ़ी कप एस टी एम एल आ गया कोमोडो आ गया एल्फा नी बैग एल्फा नेट बीन्स आ गई नोट पैड आ गया विजुअल स्टूडियो कोड आ गया और बहुत सारे हैं कोड ब्लॉक ये मेरे पास एक कोड ब्लॉक हुआ हुआ है हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं नोट को इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई चीज़ों को ए, मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूँगा वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगती हो आप लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करें हम लोग उसी को लेकर आगे चलेंगे और इन ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना पहला कोड राइट करेंगे और हम लोग एच टी एम एल और सी एस एस को स्टार्ट करेंगे एच टी एम एल और सी एस एस को स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे कुछ वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट को भी साथ देखेंगे साथ साथ के हम लोग किस तरीके से इस पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं एच टी एम एल सी एस एस की मदद से हाँ कुछ कंटेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि वीडियोज़ होगी पी एन जीज़ होगी जिप्स हो वाल पेपर्स बैकग्राउंडस तो ये तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग वेबसाइट के फ्रंट एंड पर काम करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे उसके बाद बैक एंड के लिए जाएंगे तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास जो नेसेसरी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ एच टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रप्ट जावा स्क्रिप्ट हमें हेल्प करेगी वेबसाइट्स को इंटरेक्ट करवाने में उसके कंपोनेंट्स को आपस में बातचीत करने में हेल्प करेगी उसके अलावा बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना पहला कोड राइट करेंगे एच टी एम एल से रिलेटेड एस टी एम एल सी एस एस दोनों पर हम लोग लिखेंगे दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे हमें एच टी एम एल के बारे में भी पता चलता और सी एस एस के बारे में भी इलम रहे कि हम लोग दोनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे और बाकी बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके गाइज हैव नाइस डे एंड बाय